जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है योग पर, यानी जिम से हटकर आज करेंगे तो योग पर, योग मुद्रा के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो योग मुद्रा से आपको क्या फायदे होने वाले हैं और कैसे करते हैं और इसको सही तरीके से कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। तो ज्ञान मुद्रा करने से पहले आपको एक समतल जगह ढूंढना पड़ेगा। समतल जगह पर एक आपको चटाई या योगा मैट बिछा लेना है। हम यहाँ पर देखिए योगा मैट को बिछा लिए हैं और यहाँ से हमारा ज्ञान मुद्रा शुरू करेंगे। तो ज्ञान मुद्रा शुरू करने से पहले, और इसके अगर आपका आपके शरीर में सिर में सिर दर्द होता है या आपको माइग्रेन बीमारी है या आपको निंद्रा की प्रॉब्लम है, यानी नींद आने का बीमारी है, नींद नहीं आता है, तो उसका भी ये योग करेंगे तो आपको लगातार अगर 40 से 45 मिनट डेली के डेली करते हैं तो आपको इससे बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करने से पहले आपको दो आसन होता है, वज्रासन और पदासन, आपको दिखा देते हैं। तो पदासन में आपको क्या करता है, किया जाता है कि पैर को अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रखते हैं, यानी थाई पर मसल पर रहते हैं और लेफ्ट को आपके राइट थाई पर रखते हैं। और ये हमारा जो मुद्रा होता है ये पदासन मुद्रा होता है। और इसके बाद ब्रज आसन आपको बताते हैं। ब्रज आसन आप कैसे कर सकते हैं। ब्रज आसन करने के लिए आपको ये पैर आपको अपने इस हिप्स पर और दोनों पैर को हिप्स पर अच्छे रखना है और दोनों उंगली एक पर एक रहेगा, ठीक। और ये जो है पूरा शरीर आपका टाइट रहेगा, चेस्ट आपका आगे की तरफ रहेगा और आपका जो रीढ़ की हड्डी होता है सारा सारा गर्दन टाइट रहेगा। और आगे ये इस मुद्रा में आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पदासन, ये वज्रासन हो गया, पदासन जो बताए थे वो हो गया और ये हमारा वज्रासन हो गया। तो आज हम योग मुद्रा को ज्ञान मुद्रा को करेंगे ये पदासन। पदासन मुद्रा में हम करेंगे। पदासन मुद्रा में आने के बाद आपको करना क्या है, आपकी जो तर्जनी है, जो मोटे जो आपका मोटा उंगली है और तर्जनी को आपको इस पर प्रेस करके और तीनों जो उंगली है आपको सीधा रखना है और इसको ऊपर की तरफ रहना है और ये आपका जो हाथ रहेगा वो आसमान की तरफ रहेगा। ये हमारा जो मोटका उंगली है इसके तर्जनी से इसको थोड़ा प्रेस करके और तीनों उंगली को सीधा रखना है और सीधा रखना है और इसको आसमान की तरफ ऊपर रखना है और इस आसन में आएंगे तो ये ज्ञान मुद्रा आसन हो गया। इस ज्ञान मुद्रा आसन को करने के लिए आपको डेली के डेली 40 से 45 मिनट आपको करना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इससे आपकी निंद्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इससे आपके सिर दर्द की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इससे आपका माइग्रेन बीमारी जो होता है उससे आप इससे राहत मिल सकता है और इसके और सारे बहुत, जैसे कि आपका मस्तिष्क क्षमता बढ़ जाएगी, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, आपका संतुलन शरीर का जो होता है बना रहता है, आपका पाचन शक्ति मजबूत रहता है। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। और इस अगर इसको आप कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ओम का उच्चारण कर देंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आपको क्रोध निंद्रा भय ये सबसे मुक्ति होगी। अगर आपको कहीं जाने में डर लगता है या आपको निंद्रा की प्रॉब्लम होती है या आपको किसी पर क्रोध ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, तो ज्ञान मुद्रा करने से आपको ये सारे फायदे होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने बैठते हैं तो उनको याद आता नहीं है, कोई भी चीज़ अगर याद करते हैं बहुत दिनों तक नहीं याद होता है, तो आप इस मुद्रा को उनको बताएंगे तो बहुत दिनों तक वो याद रख सकते हैं। आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आपको आपका मन शांत रहेगा, आप चिंताओं से दूर रहेंगे। जैसे कि देखते चल जाता हूँ।